अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एरेज। तो एरेज को पढ़ने से पहले हम इसका यूज समझते हैं कि इसका यूज क्या है। सपोज के हमसे कहा जाता है कि एक नंबर इनपुट लेना है। अब नंबर इनपुट लेने का मेथड क्या है कि सबसे पहले हमने वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करना है, तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हमसे कहा जाता है कि आपने दो नंबर इनपुट लेने, तो हमने इंटीजर एन और एम दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। इसी तरह कहा जाता है कि जी तीन नंबर इनपुट लेने हैं, तो इंटीजर ए बी सी तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब अगर हम इस पैटर्न को देखें कि जितने नंबर हमने इनपुट लेने होते हैं उतने वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह एक प्रॉब्लम है, कहा जाता है कि जी 100 स्टूडेंट्स के रोल नंबर जो है ये आपने इनपुट लेने। अब 100 स्टूडेंट्स के रोल नंबर इनपुट लेने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर इसी लॉजिक को देखें तो हमें 100 वेरिएबल्स चाहिए। अब अगर 100 वेरिएबल्स हम इधर जो है वो डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे तो ये हमारे पास एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो चीजें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हैं, टाइम और स्पेस। कि टाइम कम से कम लगे और स्पेस कम से कम लगे, ये दो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिनको हमने देखना होता है। तो इधर अगर हम देखें 100 स्टूडेंट्स के रोल नंबर इनपुट लेने हैं, ये मेथड फिजिबल नहीं है। 100 वेरिएबल्स हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, वन बाय वन उनके अंदर इनपुट नहीं ले सकते। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हम कोई तीन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, दो की एग्जांपल ले लेते हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, अब वेरिएबल्स किधर बनते हैं? रैम के अंदर बनते हैं। वेरिएबल्स रैम में स्टोर होते हैं, रैम में किसी ना किसी ब्लॉक के अंदर किसी एड्रेस के ऊपर कोई वेरिएबल स्टोर होता है। अब अगर सपोज के हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं एन और एम, और रैम के एड्रेसेस हैं 101, 102, 104 एंड सो ऑन, मे बी 2000, इस तरह से रैम के अंदर एड्रेसेस हैं। अब फर्स्ट वेरिएबल में भी बन जाए इधर 102 ब्लॉक के ऊपर एन, और दूसरा वेरिएबल सपोज के बन गया 2000 ब्लॉक के ऊपर एम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक 102 एड्रेस के ऊपर पड़ा है, जबकि जो दूसरा वेरिएबल है वो अप्रोक्सीमेटली 2000 के डिफरेंस के ऊपर पड़ा है। तो अब ये दोनों में डिफरेंस है, जब इनको हमने एक्सेस करना, जिस तरह से रोल नंबर थे 1000 रोल नंबर इनपुट लेने हैं, तो हम चाहते हैं कि रोल नंबर साथ साथ पड़े रहे, क्योंकि अगर 102 एड्रेस को एक्सेस करना है और उसके फौरी बाद हमने नेक्स्ट एड्रेस को मतलब एम वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो इन दोनों में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस ज्यादा है। अगर दोनों को इकट्ठा एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे कि रोल नंबर्स हैं तो हम चाहते हैं कि ये साथ साथ पढ़े। साथ साथ पढ़े होने से हमें फायदा क्या होगा? इनको एक्सेस करना हमारे लिए आसान होगा और टाइम कम कंज्यूम होगा, तो हम चाहते हैं कि ये कंजेक्टिव हो। और अगर हम अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये कंजेक्टिव नहीं बनते, ये रैंडमली रैम के अंदर क्रिएट होते हैं। तो दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, एक जैसा डेटा हम लार्ज अमाउंट के अंदर लेना चाह रहे हैं और ये वेरिएबल्स वाला मेथड उसके लिए फिजिबल नहीं है। सेकंड एम ये है कि वो जो डेटा हम लार्ज अमाउंट के अंदर लेना चाह रहे हैं वो कंजेक्टिवली पढ़ा हो, जबकि ये जो वेरिएबल्स वाला मेथड है इसमें वैल्यूज कंजेक्टिव नहीं पड़ी होती, रैंडमली पड़ी होती। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें फेस करनी पड़ती हैं इस मेथड को लेते हुए। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ते हैं? एरेज। एरेज हमारे पास क्या है? एरेज हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं। कंजेक्टिव पहला प्रॉब्लम हल हो गया। कंजेक्टिव का मतलब है साथ साथ, एक दूसरे के साथ साथ वैल्यूज पड़ी हैं। तो कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं, हैविंग सेम नेम। अब इधर नाम क्या हो रहे थे? डिफरेंट। जबकि एरे क्या कह रही है कि नाम भी सेम होगा और वैल्यूज भी क्या होंगी? कंजेक्टिव होंगी, हैविंग सेम नेम एंड सेम टाइप। अगर हम देखें रोल नंबर एक ही टाइप के हमने इनपुट लेने हैं, सपोज के इंटीजर है तो सबकी टाइप क्या होगी? इंटीजर। सबका नाम क्या होगा? आर। और सभी क्या होंगे? कंजेक्टिव पड़े होंगे। तो ये सोल्यूशन जो है, ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिल गया एरेज में। कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस, लोकेशंस क्या है? साथ साथ हैं, having same name and same type, जिसका नाम भी सेम होगा और टाइप भी सेम होगी। तो इस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि एरेज क्यों हम यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एरेज को हम यूज किस तरह से करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देखते हुए। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।